तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको करना चाहते हैं बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपको हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन बड़ा है, तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है कि हमारा ये बड़ा है या ये बड़ा है। यहाँ पर लिखा है 0.5, यहाँ पर लिखा है 0.05। आप लोग संख्याओं को तो बड़ी आसानी से कंपेयर कर लेते हो कि ये हमारी संख्या बड़ी है, ये छोटी है, पर दशमलव वालों में आप कहा जाते हो गच्चा। इस गच्चे को ना खाओ तो आपको हम आपको सिंपल से समझा दे। जैसे कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और 3 लिखा है। अगर आपसे मैं पूछूँ कौन बड़ी है, तो आप सिंपल से बता दोगे कि भाई हमारी 3 बड़ी है। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ और यहाँ पे 3 लिख दूँ, ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूँ कौन बड़ी है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये वाली हमारी संख्या जो है बड़ी है, 33 बड़ी है। आप कैसे बता दे रहे हो, तो आप क्या, जैसे जब हमारे पास 2 और 3 था, तो आपने देखा था कि 2 और 3 में कंपेयर किया तो 3 बड़ा निकला। अब आपने यहाँ पे जब कंपेयर करना शुरू किया, ये आपको चाहे तो पता भी नहीं चल रहा है, पर आप तुरंत आंसर दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पर 3 देखा, यहाँ पर भी 3 देखा, सेम निकला। तो अगले अंक पर हम चले, अगले अंक पर चले तो हमारा यहाँ पर 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया। 2 से 3 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। मान लो हमारे यहाँ 1, 2, 3 है और यहाँ पे 1, 2, 4 है। अब हम आपसे पूछे कौन सी बड़ी है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये बड़ी है। अब आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपने, आपके दिमाग ने बहुत ही जल्दी कंपेयर कर लिया है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सबसे पहले कंपेयर किया इसको, इसको बराबर थे, फिर कंपेयर किया इसको, इसको ये भी बराबर थे, फिर आप तीसरे पे चले, इसको और इसको कंपेयर किया तो ये बड़ा निकला, मतलब 4 बड़ा था ना 3 से, तो आपने कह दिया कि ये वाली भिन्न बड़ी है। अब हम आपको दे देते हैं नेक्स्ट संख्या, जैसे कि हम आपको दें 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे अब अगली संख्या दे रहे हैं 2, 3, 4, 5, 8 दे रहे हैं। अब हम आपसे कहेंगे कौन सी बड़ी है, तो भी आप तुरंत बता सकते हो कि ये बड़ी है। क्यों आप तुरंत कैसे बता पा रहे हो, ये आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग ने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इन संख्याओं को देखा, 2 को कंपेयर किया सेम था, फिर हम अगले अंक पर चले, 3 को कंपेयर किया सेम थे, फिर हम अगले अंक पर चले, इसको कंपेयर किया ये भी हमारे सेम थे, फिर अगले अंक पर चले ये भी हमारे सेम थे, फिर अगले अंक पर चले, जो कि हमारा 6 और 8 था। 8 हमारा बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न बड़ी हो गई। सेम यही रूल फॉलो होता है इसमें, ठीक है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या लिखा है 0.5, यहाँ पे लिखा है 0.05, तो हमने सबसे पहले क्या कंपेयर करेंगे, 0 और 0 को कंपेयर करेंगे, बराबर निकले, फिर हमने दशमलव की जगह पे दशमलव को देखा, फिर हमने अगला अंक कंपेयर किया 5 और 0 को कंपेयर किया, तो हम आप कहोगे 0 से 5 ही तो बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो है 0.5 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.5 बड़ा है और 0.05 जो है वो छोटा है। बस जैसे ये करते हैं जस्ट वैसे हमको ऐसे ही करना है, कोई भी कंफ्यूजन की बात इसमें है ही नहीं। अब अगला करते हैं, यहाँ पे है 0 से 0 को कंपेयर किया सेम निकले, दशमलव हमारी अपनी जगह पे था, ठीक है, अपनी जगह का मतलब दशमलव के पहले 1 अंक, ठीक है, दशमलव के पहले 1 अंक ये, ठीक है, ये हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। 7 और 5 में कंपेयर किया तो 7 बड़ा निकला, इसका मतलब 0.7 हमारा बड़ा है और 0.5 हमारा छोटा है। जो बड़ा होता है उधर हमारा ये ओपन होता है, ठीक है, और 7 और 7 में कंपेयर किया तो वैसे भी हम जानते हैं दशमलव वाली संख्याएँ जो होती हैं हमारी छोटी होती हैं, तब छोटी होंगी। जैसे कि चलो वो आपको बाद में समझाएंगे, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा, हर संख्या हमने आपको बता के रखा है कि कोई भी संख्या हो, हर संख्या के बाद में हमारा दशमलव होता है, ठीक है। हर अगर चाहे हमने ये लिखा 8 लिख के रखा है, हम पढ़ तो इसको 8 रहे हैं, पर ये 8 जो है वो हमारा 8/1 के भी बराबर है और 8/1 के भी बराबर है, और यही 8 हमारा 8.0 के भी बराबर है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ये 8+0 या 8-0, इन सब के बराबर है ये 8 जो है, हम इनको इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे दशमलव वाली चीज़ें देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 7 के बाद ये क्या हो गया, दशमलव हो गया, ठीक है। तो दशमलव जो है वो हमारा यहाँ पे लग गया, और दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 के अलावा कोई अंक नहीं बढ़ा सकते, अपनी मर्जी से हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, दशमलव का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के पहले कौन सा अंक था,
सात था, यहाँ पे दशमलव के पहले कौन सा अंक था, जीरो था। अब बताओ सात बड़ा है या जीरो बड़ा है, तो आप कहोगे सात बड़ा है, तो इसका मतलब सात बड़ा है, 0.7 जो है वो छोटा है। ठीक है, हालांकि आपको ये सब पता है कि 0.7 जो है वो छोटा ही होगा सात से, लेकिन फिर भी क्या कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1.37 लिखा है, यहाँ पे 1.49 बचा है, या मतलब लिखा है, पहले अंक को कंपेयर किया सेम निकले, फिर दशमलव जो होता, ठीक है, तो हमने अगले वाले अंक को कंपेयर किया, दशमलव के पहले एक अंक था, यहाँ पे भी दशमलव के पहले एक अंक था। ठीक है, तो अब हम अगले अंक को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे तीन है यहाँ पे चार है, तो भाई तीन जो है उससे चार बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या जो है 1.49 जो है वो बड़ी है, और 1.37 जो है वो हमारी छोटी है। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट वाला करते हैं, यहाँ पे 2.03 है, यहाँ पे 2.30 है, पहले वाले अंक को कंपेयर किया सेम निकले, दशमलव के पहले एक अंक, दशमलव के पहले एक अंक, ठीक है, दशमलव के बाद हमारे जस्ट जीरो है, यहाँ पे तीन है, तो तीन तो बड़ा है ना, तो इसका मतलब 2.30 बड़ा है और 2.03 जो है वो छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, दशमलव के पहले जीरो, यहाँ पे भी दशमलव के पहले जीरो, ठीक है, फिर आठ है, फिर यहाँ पे भी आठ है, अब अगला अंक यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है, अब जब अगला अंक है नहीं तो हम वहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, अगर नहीं है, जैसे कि हमें अंक बराबर करने पड़े दशमलव के बाद वाले, तो हम अगर बढ़ा सकते हैं तो सिर्फ जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे आठ है, तो भाई आठ बड़ा हुआ ना, इसका मतलब 0.88 बड़ा है और 0.80 छोटा है। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, इस तरीके से बता देंगे कौन हमारा बड़ा है कौन हमारा छोटा है। तो भाई पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ 7 पैसे हैं, यहाँ पे 7 रुपए 7 पैसे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो पैसे में हमको दिया गया है, हम इसको इस पैसे को रुपए में कैसे बोलेंगे, तो ये चीज़ हमें बतानी है। तो भाई हम जानते हैं कि हमारा 100 पैसा जो होता है, ठीक है, 100 पैसे जो होते हैं वो हमारे कितने के बराबर होते हैं, 1 रुपए के बराबर होते हैं, 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं। अगर हम बात करें हमारा 1 पैसा जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये जो है 1 है, इसके बटे में हम 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1/100 को हम बोलेंगे 1 पैसा, ठीक है, 1/100 रुपए को बोलेंगे 1 पैसा। अब इन्होंने कहा है 7 पैसे को हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 7 पैसे जो होंगे वो कैसे होंगे, ये हम 7 पैसे बनाने के लिए हम 1/100 को 7 से गुणा कर देंगे, 1/100 लिखेंगे, इसको हम 7 से कर देंगे गुणा, ठीक है। अब हमारा गुणा जब होगा तो ये क्या होगा, जाके 7/100 होगा, 7 × 7 7/100। अब हमारा यहाँ पे 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो तभी हटेंगे जब हमारा दशमलव 2 अंक खिसकेगा, हमारे पास तो 1 ही अंक है, तो दूसरा अंक करने के लिए हम 0 लगा देंगे, 1 तो पहले से ही था, तो 2 अंक हमारा 2 जीरो थे, इसलिए 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, यहाँ पे अगर 3 जीरो होते तो 3 अंक पहले दशमलव लगता, तो हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ते, 1 अंक था हमारे पास, 1 और हमने ले लिया, ठीक है, अब दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो हमारा 7 पैसे जो है वो 0.07 के बराबर हो जाएगा, 0.07 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, अब हम इसको करेंगे, यहाँ पे लिखा है 7 रुपए 7 पैसे को हम कैसे लिखेंगे, हमने तो 7 पैसे को रुपए में तो कन्वर्ट कर लिया है, तुम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, 7 रुपए तो हमारा 7 रुपए, यहाँ पे हम इक्वल टू लगा दे, चलो कोई बात नहीं, 7 यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा बना देते हैं ताकि हमको पता चल जाए हमारा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 रुपए + 7 पैसे, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, 7 रुपए तो हमारे 7 रुपए हैं ही, 7 पैसे को अभी हमने रुपए में कन्वर्ट किया है, कैसे, 0.07 रुपए में, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे,
ठीक है, यहाँ पे तो दशमलव है नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, हम जानते हैं हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, अगर दशमलव नहीं है तो उसके बाद में दशमलव लगा दो, जितने जीरो की ज़रूरत हो उतने ज़ीरो लगा दो। यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक हैं तो हमने दो ही ज़ीरो लगाए हैं। अब यहाँ पे दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव लिख दो, ठीक है, इसके पहले ज़ीरो था, इसके बाद में ज़ीरो था, फिर हमारा सात था, इनको हम जोड़ देंगे, ज़ीरो में सात जोड़ा सात आया, ज़ीरो में ज़ीरो जोड़ा ज़ीरो आया, और दशमलव के नीचे दशमलव लग दिया और सात में ज़ीरो जोड़ा तो हमारा सात आ गया। तो इस तरीके से 7.07 रुपये जो है वो हमारा क्या हो गया है, ये 7 रुपये 7 पैसे को हम 7.07 पैसे सात दशमलव जीरो सात रुपये बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कौन सा क्वेश्चन था, पहला वाला पार्ट जो है वो, पहला और दूसरा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं हम ये वाले पार्ट, ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में ना आए। यहाँ पे 77 रुपये और 77 पैसे लिखे हैं, तो हमने अभी अभी देखा था कि एक पैसा जो होता है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था एक पैसे को हम कहते हैं 1/100 रुपये बोलते हैं, तो इन्होंने हमारे, ये तो रुपये में है ही, तो हम 77 पैसे को सिर्फ कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये तो रुपये में है, इसको रुपये को रुपये में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पैसे को कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 77 पैसे, तो क्या करेंगे, जो 77 पैसे हैं उसकी हम गुणा कर देंगे 1/100 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ जाके, 77/100 हुआ जाके। ठीक है, अब हमें इसको दशमलव में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पे नीचे दो ज़ीरो है, ये दो ज़ीरो तभी हटेंगे जब दशमलव जो है दो अंक पहले लगेगा, दो अंक हैं हमारे पास, तो हम 77 के पहले ही दशमलव लगा देंगे, यहाँ इसके पहले कोई अंक नहीं था, दो ज़ीरो लगा दिया, यहाँ पर लिख देंगे रुपये। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 77 पैसे है उसको हम रुपये में कैसे पढ़ेंगे, 0.77 रुपये। ठीक है, 77 नहीं बोलेंगे इसे, 77 रुपये बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 77 रुपये 77 पैसे जो है वो रुपये में कैसे पढ़े जाएंगे, 77 रुपये तो ये हो गया। ठीक है, 77 रुपये लिख देंगे प्लस, और इसको हमने पैसे को कन्वर्ट किया है, वो क्या हुआ जाके, 0.77 रुपये। ठीक है, इतना हुआ जाके, अब हम इनको जब जोड़ देंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 77.77 रुपये। ठीक है, 77.77 रुपये। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो हमें क्या पता था भाई, एक पैसा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है, 1/100 रुपये के बराबर होता है। इन्होंने 50 पैसे की बात की है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब है एक का आधा। ठीक है, तो आधा रुपया हुआ जाके, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करके लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो 1/100 है इसकी गुणा हम 50 से कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 50, 1 के 50 से गुणा हुई, 50 हुआ, 50/100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 को हम क्या कहते हैं, 0.5 कहते हैं, चाहे तो आप भाग दे दो तो भी हमारा 0.5 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 रुपये। और 5 के बाद आप 0 भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारा 50 पैसे 50 भी कर सकते हो, 0.50 रुपये कह दो, या 0.5 रुपये का 0.5 रुपये भी कह सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे 235 लिखा है, तो हमको पता है कि एक पैसा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/100 रुपये के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 235 पैसे ये किसके बराबर हो जाएंगे, हम 1/100 की गुणा किससे कर देंगे, 235 से कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 235/100। अब 100 हमारा तभी हटेगा, दो ज़ीरो तभी हटेंगे जब दो अंक पहले दशमलव लगाएंगे, इसका मतलब हमारा 35 के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, दो आगे लिख देंगे, दो अंक पहले दशमलव हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, रुपये लिखेंगे, मतलब 235 पैसे को हम 2.35 रुपये बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन पूरा पूरा कंप्लीट हो जाता है, और आपको समझ में आ गया होगा, तो भाई चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे वाले पे।
तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट कह रहा है 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे एक साइड में लिख देते हैं ताकि अलग से आपको पता चल जाए। ठीक है, किस 100 सेंटीमीटर जानते हम जानते हैं कि हमारा 100 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारा कितना सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर होता है। और ये बात भी ध्यान रखना, 1000 मीटर जो होता है वो हमारा 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर जो होता है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। हमको पहले मीटर वाला ही सॉल्व करेंगे क्योंकि पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का पता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, या 1 जो लिखा है इसके बटे में 100 को भर देंगे, 1/100, ये इधर मीटर था तो यहाँ पे मीटर कर देंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर है किसके बराबर होता है, 1/100 सेंटीमीटर के बराबर। चाहे तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हो, बाद में जो आएगा उसकी उससे गुणा करते रहें। ठीक है, चाहे तो आगे जो जैसा करना चाहें वैसा कर लें। जैसे कि हम इस मैंने वो तरीका तो आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया है, जिसमें बटे करके बटे में जो था उसकी सबसे गुणा करके दिखाई दी थी। इसमें हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 2 0 हम हटाना चाहते हैं, ये जो बटा दिया है इसको हटाना चाहते हैं, तो ये बटा कैसे हटेगा, जब हम 2 0 हैं तो 2 अंक पहले हमारा दशमलव लगना चाहिए, 1 अंक तो था ही हमारे पास, 2 0 दो अंक की ज़रूरत है थी, तो हम 1 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे, तो 2 अंक हो गया, 2 अंक के पहले दशमलव लग गया, दशमलव के पहले कोई अंक था नहीं तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.01 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन्होंने 5 सेंटीमीटर बोला है तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 5 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, जो 5 है उसकी गुणा हम 1 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। जैसे 0.01 से कर देंगे गुणा तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 की 1 से गुणा हुई तो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 5 तो हमारा 5 की 1 से गुणा की, अब हमें ये नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या लगा है, 0 लगा है, दशमलव लगा है, सिंपल से हमने 5 की 1 से गुणा की तो हमारा 5 आ गया। अब हम क्या देखना है, हमको दशमलव जो है कितने अंक पहले है, तो हमने देखा दशमलव जो है 2 अंकों के पहले है, तो हमें भी दशमलव यहाँ पे 2 अंक के पहले लगाना पड़ेगा, तो दो हमारे पास तो एक ही अंक है, तो हम 1 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव, तो 2 अंक पहले दशमलव हो गया, कोई अंक नहीं था इसलिए यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारे मीटर में कन्वर्ट हो गया है, क्या आ गया है, 0.05 मीटर में आ गया है, ये मीटर में कन्वर्ट होकर आ गया। अभी हमें किलोमीटर में अभी भी बनाना है। ठीक है, तो किलोमीटर में कैसे बनेगा, तो भाई हमने देखा है कि ये जो हमारा 1000 मीटर होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1000 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। बात करें 1 मीटर की, तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, तो 1/1 ये चला जाएगा, मतलब 1/1 1000 चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अब इसकी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हम नहीं चाहते बटे में कुछ भी रहे, तो बटे में हमारे 3 0 हैं, तो 3 0 बटे में हमारे तभी रहेंगे ये जब हम इन 3 0 3 0 जो हमारे लगे हैं इनको बटे से हटाना है, तो ये हमारे तभी हटेंगे जब हम ऊपर जो अंक लिखा है 1 उसके पहले 3 अंक के पहले हमारा दशमलव लगेगा। 3 0 ये हमारे तभी हटेंगे जब 3 अंक के पहले हमारा दशमलव लगेगा। 1 अंक था, तीन अंक हम कैसे बनाएंगे, जब हम 2 0 अपनी मर्जी से बनाएंगे, हो गए हमारे 3 अंक तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, तो ये 0 तभी हटेंगे 3 0 जब हम 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव के पहले कुछ नहीं था तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हुआ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो मतलब क्या हुआ, 1 मीटर जो है 0.0001 किलोमीटर के बराबर हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए हम हमारा क्या आया था, कितना मीटर आया था, ये मत करना कि 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो, हम मीटर में चल रहे हैं तो मीटर में हमारा आंसर ये आया था ना, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 0.05 मीटर
किसके बराबर हो जाएगा, इसकी और इसकी कर देंगे गुणा, तो 0.05 की हम गुणा कर देंगे 0.001 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना है कितने जीरो लगे हैं कितने जीरो नहीं लगे हैं, सिंपल से ये हमारा 5 है ये हमारा 1 है, 5 और 1 की कर देंगे गुणा तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें चेक चेक करना है दशमलव यहाँ पे कितने अंक पहले हैं, तो यहाँ पे 2 अंक पहले हैं, यहाँ पे 3 अंक पहले हैं, तो 2 अंक इधर 3 अंक इधर, तो टोटल हो गए कितने, 5, 5 अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 1 अंक तो है और 5 अंक कहाँ से लाएंगे हम, मतलब हम 0 बढ़ा देंगे 4, तो हमारे टोटल 5 अंक हो जाएंगे, तो 5 अंक के पहले हमने दशमलव लगा दिया, दशमलव के पहले कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये हुआ जाके हमारा कन्वर्ट होके किलोमीटर में, मतलब ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर है वो किलोमीटर में क्या हुआ जाके 0.00005, ठीक है, इसके बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं कन्वर्ट। तो ये तीसरा का पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, अब करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे लिखा है 35 mm, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा 10 mm, ठीक है, हमारा स्केल जो होता है उसमें 10 mm किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा है, 1 सेंटीमीटर जो होता है किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, तो वो हमारे किसके बराबर होता है, अगर मीटर में बात करते हैं तो वो हमारा, अभी हमने पिछली बार ही पढ़ा है, पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है, हमारा 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 0.01 mm के बराबर होता है, ठीक है। अब बार बार वही चीज़ हमको समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये चीज़ से ये चीज़ कैसे आया ये हमने आपको बता ही दिया है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर वही चीज़ लिख रहे हैं, क्या है हमारा आया था, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर। अगर आपके में क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारा सेंटीमीटर से मीटर हो गया। फिर हमने देखा था कि 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 0.001 किलोमीटर, ठीक है, ये भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया था, ठीक है। इतनी चीज़ें जो हैं ये दो चीज़ हमने पहले सॉल्व करके आपको बताई थी, ठीक है। और तो हमको सबसे पहले तो हमें यही लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि 10 mm, ठीक है, 10 mm जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पे चूंकि लगा देते हैं, चूंकि 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 1 mm किसके बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करते थे इसके बटे में ये कर देते थे, तो यही हम यहाँ पे भी करेंगे, इसके 1 के बटे में 10 कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें, 10 को हमारा तभी हटेगा जब 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा, मतलब क्या आ जाएगा 0.1, 1 अंक के पहले दशमलव लग गया और ये हमारा सेंटीमीटर में हो गया, तो मतलब क्या निकला, 1 mm जो होता है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब हमको बदलना किसको है, 35 mm को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 35 mm किसके बराबर हो जाएगा, जो 35 है उसकी गुणा हम इससे कर देंगे, 35 × 0.1, ठीक है, तो 35 एकम क्या होता है, 35 होता है, दशमलव जो है कितने अंक पहले, 1 अंक पहले है, तो 1 अंक के पहले दशमलव लगा दो और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, तो 35 mm जो हो जाएगा वो 3.5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, अब हमारा सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो ये हमने कर दिया, पहला आंसर आ गया। अब हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने देखा 1 सेंटीमीटर जो होता है इतने के बराबर होता है, हमारा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है 0.01 मीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कितने सेंटीमीटर है, 3.5, तो हम यहाँ पे लिख दे इसलिए 3.5 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इसकी हम इससे गुणा कर देंगे, मतलब 3.5 की गुणा 0.01 से कर देंगे, ठीक है। तो भाई 35 की यहाँ पे ये मत देखो कि हमारा लिखा हुआ है 3.5 लिखा हुआ है, आप सिंपल से इसको 35 पढ़िए, 35 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 35 ही आएगा। अब हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे दशमलव जो है 1 अंक पहले है, यहाँ पे दशमलव 2 अंक पहले है, तो टोटल कितने हो गए, 3 अंक हो गए, तो अब हमें दशमलव जो है 3 अंक पहले लगाना है, 2 अंक तो ये हो गए, तीसरा अंक है नहीं तो हम 0 बढ़ा देंगे, तो 3 अंक पहले दशमलव लग गया, अब हम दशमलव के पहले
वगैरह कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। तो हमारा क्या आ गया है 0.035 हमारा किस में आया था, मीटर में आया था, तो ये हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, अब हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो हमने यहाँ पे देखा था कि एक मीटर यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि एक मीटर जो होता है किसके बराबर होता है 0.001 किलोमीटर के बराबर होता है। अब हमें मीटर कितने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 0.035, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 0.035 मीटर जो होगा वो किस क्या बनेगा जाकर किलोमीटर में, तो इसकी इसकी गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे 0.035 की गुणा कर देंगे 0.001 से। तो यहाँ पे ये मत देखो दशमलव कहाँ पे लगा है, हमारा सिंपल से 35 पढ़ो, इसको एक पढ़ो, 35 एक हमारा क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब हम दशमलव गिनेंगे, यहाँ से तीन अंक पहले दशमलव है, यहाँ से भी तीन अंक पहले दशमलव है, तो टोटल हो गए हमारे 6। तो 6 अंक पहले हमें दशमलव लगाना है, तो 2 तो ये हो गए, 4 और चाहिए हो गए, तो 4 जीरो जो है वो हमने अपनी मर्जी से लगा दिए, यहाँ पर लगा दिया दशमलव, दशमलव के पहले कुछ लिखा नहीं था तो हमने जीरो लगा दिया। तो ये हमारा कन्वर्ट आके होके आ गया है किलोमीटर में, तीसरा आंसर हमारा ये हो गया है 0.000035। ठीक है, ये हो गया है हमारा इसका आंसर। तो पूरा पूरा हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए, हमें मतलब ये जो हमारे ग्राम में दिए गए हैं इनको केजी में व्यक्त करना है। ठीक है, केजी में व्यक्त करना है, पर हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा एक केजी जो होता है किसके बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा 1000 ग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 केजी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 केजी के बराबर होता है। इसी चीज़ को उल्टा करके लिख सकते हैं ना, उल्टा इसलिए लिखा है क्योंकि हमको केजी में व्यक्त करना है, तो इधर हमारा आंसर आता है ना, तो इस चीज़ इधर हमने केजी ही लिखा है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया 1000 ग्राम 1 केजी के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए 1 ग्राम जो हो जाएगा किसके बराबर होगा 1/ ये वाली संख्या कर देंगे, तो 1/1000 के बराबर कर देंगे, तो 1 ग्राम 1/1000 केजी के बराबर होता है। अब इसी को ही हम दशमलव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जब हमारे ये तीन जीरो हटेंगे, तीन जीरो तभी हटेंगे जब हम तीन अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। एक तो हमारे अंक हमारे पास अंक था, तीन के पहले दशमलव लगाना है, तो 2 जीरो अपनी मर्जी से बढ़ा लेंगे, तो तीन अंक हो गए, तीन अंक के पहले दशमलव लगा दिया, अब हम यहाँ पे 0 दशमलव के पहले लगा देंगे, ये हमारा आ जाएगा केजी में, मतलब 1 ग्राम जो है 0.001 केजी के बराबर होता है। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे लिखा है 200। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 200 ग्राम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 200 की गुणा हम इससे कर देंगे, तो 200 की गुणा कर देंगे 0.001 से। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 200 की गुणा 1 से जब होगी तो हमारा क्या आएगा 200 ही आएगा। ठीक है, आएगा 200। अब हम दशमलव गिनेंगे, तो दशमलव जो है वो तीन अंक पहले हैं, तो हमारा यहाँ पे तीन अंक ही है, तो हमारा तीन अंक पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है, दशमलव के पहले कुछ है नहीं तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया, और इधर हमने केजी लिख दिया, मतलब 200 ग्राम जो है वो केजी में 0.200 केजी के बराबर होता है। तो हमने आपको ये पहले ही बात बता के रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारा एक चैनल है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो ये रहा हमारा चैनल जिसका नाम है जोजस बेसिक मैथ। ठीक है, इस पर आप टच करोगे ना तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, आप जाइए यहाँ पे, जो भी आपको पढ़ना है यहाँ से आप देख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल से समझाई है, प्लेलिस्ट में जाकर जो भी पढ़ना है तो डायरेक्ट आप उसी वीडियो पे पहुँच सकते हो। ठीक है, तो इस चैनल पे जरूर विजिट करिए, यहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, आप ही लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि जब मैं आपको समझाती थी तो आप छोटी छोटी चीज़ें पूछते थे, मैम ये कैसे हुआ, मैं ये कैसे हुआ, तो हर चीज़ को इसी चैनल पर समझाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने वो अलग चैनल बना लिया। ठीक है, तो इतना हो गया। तो दशमलव के बाद अगर लास्ट में हमारे ज़ीरो होते हैं, बिल्कुल लास्ट में, तो उन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका मतलब 0.2 इसको हम पढ़ेंगे, 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम 0.2 केजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में? तो अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा था पहला वाला पार्ट, अब करते हैं दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट है 3470 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है केजी में।
ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमें पता नहीं है कितना आएगा, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एक ग्राम जो होता है किसके बराबर होता है। अभी अभी हमने देखा एक ग्राम जो होता है इसके बराबर होता है, किसके बराबर, 0.001 केजी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 3470 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3470 की गुणा कर देंगे 0.001 से कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमने जब गुणा की तो हमारा क्या हो जाएगा, 3470 की एक ही से गुणा करो, ठीक है, एक लिखाना है यहाँ पे, तो एक से गुणा करो तो हमारा 3470 तो आएगा ही, ठीक है। पर हम अभी दशमलव देखेंगे, दशमलव तीन अंक पहले है, तो हम यहाँ से तीन अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, दशमलव यहाँ पे आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा केजी में आया है, तो 3470 केजी ये हमारा आ गया है इसका आंसर, ठीक है, आया समझ में। और भाई आप तो सोच, अगर चाहो तो इस जीरो को हटा भी सकते हो, पर हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि इसमें तीन जीरो होते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी दशमलव के बाद तीन जीरो होने चाहिए, सॉरी तीन अंक होने चाहिए, ठीक है, इसलिए इस जीरो को नहीं हटा रहे। आप चाहो तो हटा दो, तो कोई काटने वाला नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें 4 kg 8 gram को कन्वर्ट करना है। तो कि ये वाला ही देख लो आप भाई, ये वाला हिस्सा तो ग्राम केजी में है ही, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 kg + 8 gram, मतलब हमें 8 gram को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हम, चूँकि हम जानते हैं कि एक ग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभी हमने देखा 0.001 केजी के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 8 gram, ठीक है, 8 gram किसके बराबर हो जाएगा, 8 की गुणा 0.001 से गुणा कर देंगे। तो 8 एकम क्या होता है, 8 होता है, और दशमलव जो है तीन अंक पहले है, तो इधर से हम दशमलव तीन अंक पहले करेंगे, एक अंक तो है ही, तो दो अंक और बढ़ा देंगे, जिससे हमारे तीन अंक हो जाएंगे, तो तीन अंक के पहले दशमलव हो गया, दशमलव पहले हम जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा इतना केजी में कन्वर्ट होके आ गया है, 0.8 gram जो है 0.008 केजी के बराबर हो गया। अब हमें लिखना क्या है, 4 kg, ठीक है, 4 kg 8 grams को लिखना है। तो क्या करेंगे, 4 तो हमारा केजी में ही था है, और इसको भी हमने केजी में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये हमारा है 0.008 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ कर हमारा क्या आ जाएगा, 4.008 kg ये हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आया है वो हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा चौथा वाला क्वेश्चन भी पूरा पूरा हो जाता है कम्प्लीट। अब करते हैं अपना पाँचवा वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो दशमलव संख्याएं हैं इनको विस्तार करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो विस्तार कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, 20 लिखा है, 20.03, तो 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 2 × 10, ठीक है। अब यहाँ पे 0 भी लिखा है, तो इसको भी विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, 0 की गुणा हम 1 से कर देंगे, तो हमारा 0 ही आएगा, मतलब 2 जो है, ठीक है, हम ये अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, दशमलव की जगह पे कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे 0 है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 0 है अगर इसकी गुणा 1/10 से करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और 3 है, तो 3 जो है हमारे दूसरे अंक पे है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × 100 लिखेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब ये चीज़ हमारी आई कैसे है, इस तरीके से विस्तार करना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। अब आप देख लीजिए हमने किया क्या है। देखो, ये हमारा इकाई, ये जो है दशमलव समझ लो, इस ये दशमलव ने इसको इस हिस्से में कन्वर्ट, मतलब पार्ट क्या बोलते हैं, डिवाइड किया है, इसको इधर डिवाइड किया है, इस दशमलव ने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इधर जो हमारे हिस्से चलेंगे, ठीक है, उनमें क्या होगी, गुणा होगी, इधर जो हिस्से चलेंगे उनमें हम बटे में गुणा करके करेंगे, ठीक है। तो कैसे, इधर जैसे ये हमारा पहले स्थान पे था,
ठीक है, जीरो जो था वो पहले स्थान पे था तो हमने एक से गुणा की, दो जो है दूसरे स्थान पे थी इसलिए हमने दस से गुणा की, अगर यहाँ पे कोई और अंक होता तो उसकी गुणा हम सौ से करते, अगर और कोई अंक होता उसकी हम एक हज़ार से गुणा करते, कि इकाई पे था इसलिए एक से गुणा की, ये दहाई के स्थान पे था इसलिए दस से गुणा की, ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा, बस हम जो गुणा करेंगे एक बटे में करके करेंगे, जैसे ये पहले स्थान पे था तो हमने ये हमारा इसमें इकाई दहाई तो नहीं चलेगा, इसमें दशांश चलता है, इधर चलता है हमारा इकाई दहाई, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बता देती हूँ, ये दशमलव होता है, दशमलव के पहले हमारा चलता है इकाई, फिर चलता है दहाई, फिर चलता है हमारा सैकड़ा, फिर चलता है हज़ार, जो हमारा हमने अब तक पढ़ा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख इस तरीके से चलता है, फिर दशमलव के बाद हमारा चलता है दशांश, ठीक है दशांश, फिर चलता है हमारा शतांक, ठीक है फिर चलता है हमारा हज़ारवां, ठीक है फिर चलता है दस हज़ारवां लाखवां, इस तरीके से चलता है, इसका मतलब होता है गुणे में एक, इसका मतलब होता है गुणे में दस, इसका मतलब होता है गुणे में सौ, इसका मतलब होता है गुणे में एक हज़ार, इसका ये मतलब होता है, और दशांश का मतलब होता है गुणे में एक बटे दस, दशांश दस आ रहा है ना, शतांक का मतलब होता है गुणे में एक बटे सौ, हज़ारवां का मतलब होता है गुणे में एक बटे एक हज़ार, ठीक है इस तरीके से होता है, ठीक है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो दशमलव के बाद ये पहला था दशांश, फिर होता फिर हो गया हमारा शतांक, तो इसलिए एक बटे सौ से गुणा की, अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, हर तरीके से आपको समझा दिया है, तो इसको करते हैं, तो दशमलव के पहले हमारा क्या है इकाई वाला अंक है, तो मतलब हम दो से सिर्फ एक की गुणा कर देंगे, ठीक है फिर प्लस लगा देंगे, फिर दशमलव के बाद हमारा दशांश है तो जीरो की गुणा हम किससे करेंगे एक बटे दस से करेंगे, फिर ये हमारा शतांक है प्लस लगा के तीन की गुणा हम किससे करेंगे एक बटे सौ से कर देंगे, ये उसका विस्तारित रूप हो गया, ठीक है और ये इसका विस्तारित रूप है, अब हम इसको करते हैं, ठीक है तो यहाँ पे जैसे कि इकाई है दहाई है सैकड़ा है, सैकड़ा तक जाएगा तो पहले हमारा दो है ना, तो दो की गुणा सैकड़ा है, दो जो है सैकड़ा पे है ना तो सौ से गुणा कर दो, ये हमारा दहाई पे है तो ज़ीरो की गुणा दस से कर दो, ये हमारा इकाई पे है तो ज़ीरो की गुणा हम एक से कर देंगे, फिर प्लस लगा दो, ठीक है ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है चौथा वाला यहाँ पे कर देंगे, ठीक फिर हमारा ये दशांश पे है, दशांश पे है मतलब ज़ीरो की गुणा एक बटे दस से कर देंगे, ये हमारा शतांक पे है तो इसका मतलब प्लस लगा के तीन की गुणा हम एक बटे सौ से कर देंगे, बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसे इसको करते हैं, इसमें सिर्फ इकाई ही है, इकाई ही है तो मतलब दो की गुणा सिर्फ एक से करेंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो की गुणा हम एक बटे दस से करेंगे, क्योंकि ये दशांश ये शतांश ये हमारा हज़ारवां, ठीक है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तीन की गुणा तीन हमारा शतांश पे है तो एक बटे सौ से करेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, चार हमारा हज़ारवें पे है तो मतलब चार की गुणा हम किससे करेंगे एक बटे एक हज़ार से करेंगे, ठीक है तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है अब करते हैं अपना छठा वाला क्वेश्चन, तो छठा वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में दो का स्थानीय मान ज्ञात करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी थी, स्थानीय मान जो है वो हम छोटी मतलब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, मैं क्लास भी कहना चाह रही थी कक्षा में से निकल जाता है, एक्चुअली आप हिंदी मीडियम के हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आपको क्लास का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं क्या होता है कभी कभी मिक्स हो जाता है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं मुँह से निकलता कभी कुछ और है, ठीक है तो जैसे कि छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि स्थानीय मान होता क्या है, तो हमें क्या करना है, ये हमने आपको दशांश शतांश जो है ये सब बता दिया, ठीक है अब आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कह रहे दशमलव संख्याओं में दो का स्थानीय मान बताना है, तो हम दो जो है दशमलव के जस्ट पहले है, तो जस्ट पहले हमारा क्या होता है इकाई होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो का स्थानीय मान, ठीक है तो इकाई वाले स्थान पे है तो हम क्या कर देंगे दो की एक से गुणा कर देंगे, इकाई वाले स्थान पे था दो से एक की गुणा कर दी तो हमारा क्या आ गया दो, इकाई वाले स्थान पे था तो हम यहाँ पे लिख देंगे इकाई, ठीक है इकाई लिख दिया, अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है दो एक दशमलव तीन सात मतलब इक्कीस दशमलव तीन सात, दो जो है वो हमारे इकाई और दहाई मतलब दहाई वाले स्थान पे है, दहाई वाले स्थान पे है तो हम यहाँ पे वापस से वही लिखेंगे दो का स्थानीय मान, दहाई वाले स्थान पे है मतलब दो की गुणा हम किससे करेंगे दस से करेंगे, ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा बीस आ जाएगा और ये दहाई वाले स्थान पे था, ठीक है अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना, बीस तो हमारा आ ही जाएगा पर हमको यहाँ पे बीस नहीं लिखना है,
ठीक है, पीस क्यों नहीं लिखना है, ये यहाँ पे हमने दो इकाई क्यों लिखा है, ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं। यहाँ पे जैसे दो को हमने दो लिख दिया, एक है, एक को हमने इकाई लिखा, दो को हमने दो लिख दिया है, दस को हम क्या है, दस को हम क्या लिखेंगे, दहाई लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, दो दहाई। दो दहाई का मतलब होता है 20। ठीक है, दो दहाई का मतलब क्या होता है, 20 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे 20 दहाई मत लिखना, 20 दहाई का मतलब हो जाएगा 2000। ठीक है, पर इसकी वैल्यू तो हमारी 20 है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम दो को देखते हैं तो ये हमारे दशांश वाले स्थान पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो का स्थानीयमान, ये दशांश वाले स्थान पे है ना, तो दो की गुणा हम किससे करेंगे, 1/10 से करेंगे। तो हम यहाँ पे दो को दो लिख देंगे, 1/10 को हम क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे दशांश। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं क्योंकि एक जीरो है, एक जीरो जब हटेगा तो एक अंक पहले दशमलव आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस यही बताने हैं, मैं आपको बताया दे रही हूँ, वो बात अलग है। यहाँ पे दो हमारा शतांक स्थान पर है, दशांश शतांक, शतांक स्थान पर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, दो गुणे में शतांक स्थान पर है, शतांक का मतलब होता है 1/100, तो हमारा क्या आ जाएगा, दो, ये दो तारा, इसको बोलते हैं शतांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे शतांश। ठीक है, तो ये हमारा सा ऐसा वाला होता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 आएगा। ठीक है, मैं लिखे दे रही हूँ लेकिन इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दो देखते हैं तो ये हमारे हजारवां वाले स्थान पे है, तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे दो का स्थानीय मान बराबर 2×1/1000, हजारवां को कहते हैं 1/1000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2000। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो निकलेगी 0.002, क्योंकि 3 जीरो हैं, 3 अंक के पहले हमारा दशमलव लगेगा, 1, 2, 3, 3 अंक के पहले दशमलव हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था और क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इतना हो गया, अब करते हैं अपना सातवां वाला क्वेश्चन। तो हम आपको एक और बात बता देते हैं, हजारवां को हम सहस्रांश भी बोलते हैं। ठीक है, वो थोड़ा बोलने में अटपटा है इसलिए मैं हजारवां यूज कर रही हूँ, क्योंकि हजारवां भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। तो ये है हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, दिनेश जो है स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहाँ स्थान सी तक गया। ठीक है, क्या लिखा है, दिनेश ए से स्थान बी तक गया और वहाँ से ठीक है, वहाँ से स्थान सी तक गया, मतलब ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया। ए से बी की दूरी इतनी है और बी से सी की दूरी इतनी है, तो आयु स्थान ए से डी तक गया। ठीक है, फिर मतलब दूसरा हमारा इसी में दिया है दूसरा पार्ट, ये कह रहे हैं आयु स्थान ए से डी तक गया, वहाँ से जो दूरी है वहाँ से सी को गया, मतलब ये कि दिनेश जो है ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, जो आयु है वो ए से डी जा रहा है, फिर डी से सी जा रहा है, फिर ये कह रहे हैं ए से डी के बीच में दूरी इतनी और डी से सी के बीच कितनी दूरी है, फिर ये कह रहे हैं किसने ज़्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है आपके बुक में दिया गया था। ठीक है, अब हमें खुद ही बताना है क्या है, जैसे कि किसकी बात की गई थी, सबसे पहले दिनेश की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दिनेश लिख देते हैं, दिनेश जो है पहले ए से बी तक जा रहा है, फिर बी से सी तक जा रहा है, तो दिनेश जो है यहाँ से हम यहाँ पे इस कलर से बना देते हैं, दिनेश का रास्ता जो है वो इतना है, तो अगर इन्होंने ए से बी की दूरी जो है वो 7.5 किलोमीटर बताई है। ठीक है, इतनी बताई है ए से बी की दूरी, फिर बी से सी की दूरी जो बताई है वो बताई है 12.7 किलोमीटर, इतनी बताई है। ठीक है, ये तो हुई किसकी बात, दिनेश की। अब फिर आयुब जो है वो ए से डी जाता है, आयुब ही आयुब जो है वो यहाँ से ही चलना स्टार्ट करता है पर उल्टी दिशा में। ठीक है, आयुब जो है जा रहा है ए से डी, फिर जाता है डी से सी। ठीक है, ऊपर दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं जाके। ठीक है, और ए से डी के बीच की जो दूरी है इन्होंने बताई है 9.3 किलोमीटर, इतनी बताई है, और डी से सी की दूरी जो है इन्होंने बताई है 11.8 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं किसने ज़्यादा दूरी तय की है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल से इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, फिर कंपेयर कर लो कितनी ज़्यादा दूरी तय की है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले दिनेश के बारे में लिखेंगे, दिनेश द्वारा चली कुल दूरी। ठीक है, तो कितना कैसे गया था वो, ए से बी चल गया, फिर बी से सी गया।
ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी है 7.5 और बी सी के बीच की दूरी है 12.7। अब इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, 7 और 5 जोड़ा। ये बात ध्यान रखना है कि दशमलव जो है, दशमलव के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है। बाई चांस अगर यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होते तो हम क्या करते, यहाँ पे हमें भी 2 अंक बढ़ाने पड़ते, बनाने पड़ते। 2 अंक हमारे कैसे बनते, हमको लास्ट में 0 बढ़ाने पड़ते, जितने अंकों की जरूरत पड़ती है उतने ही हम 0 बढ़ाते हैं। फिलहाल यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम इनको जोड़ देंगे। 7 और 5 को जोड़ा तो हमारा 12 हुआ, एक हासिल हुआ। तो 2 और 7 को जोड़ा हमारा कितना हुआ, हमारा 2 और 7 को जोड़ा 9 हुआ, 9 में एक हासिल जुड़ गया, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अभी भी एक हासिल है, एक हासिल इसमें जुड़ गया, तो हमारा कितना हो गया है, ये हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव था तो एक अंक के पहले दशमलव हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये हमारा आ गया किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर आ गया है। ये किसकी आई है, दिनेश की दूरी आई है। अब हम लिखेंगे आयुब के बारे में, यहाँ लिखेंगे आयुब द्वारा चली दूरी, ठीक है। तो आयुब कैसे गया है, ए डी करके गया है, फिर डी से सी गया है, तो ए डी के बीच की दूरी है 9.3, ठीक है, और फिर है हमारी डी सी की दूरी 11.8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो लिख दो किलोमीटर, चाहे तो ना लिखो, ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, सॉरी इसको मतलब सॉल्व करेंगे। यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम सिंपल से जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमारे दशमलव के बाद अंक अलग अलग होते तो हम उनको बराबर करते। 8 और 3 हमारा 11 होता है, एक हासिल हुआ। 11 में 9 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 20 हुआ। 20 में हासिल वाला जोड़ा तो हमारा 21 हुआ, ठीक है। एक अंक के पहले दशमलव, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया, हमारा किलोमीटर में हो गया। भाई ये चला है 21.1 किलोमीटर और ये चला है 20.2 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 21 वाला ज़्यादा हुआ ना, ये हमारा 21 है, ये हमारा 20 है, तो ज़्यादा हुआ ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयुब ने अधिक दूरी तय की। अब ये कह रहे हैं कि कितनी अधिक दूरी तय की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अधिक, यहाँ पे ये लिख दो आयुब द्वारा, आयुब अजीब सा नाम है, आयुब द्वारा अधिक तय दूरी। तो कितनी दूरी अधिक तय की है, तो इसमें से ये घटा दो, क्या करना है, 21.1 में से 20.2 घटा दो। अब ये आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, अगर दशमलव के नीचे दशमलव नहीं होता है मतलब आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो यहाँ 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा, इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, यहाँ इसने तो हासिल दे दिया, तो यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, तो कितनी दूरी अधिक तय की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.9 किलोमीटर, इतनी दूरी जो है उसने अधिक तय की है। और इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, तो हमने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया, फिलहाल इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 900 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इस आंसर को लिखो, चाहे तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस दूरी बताने से मतलब था, मीटर में बताओ चाहे किलोमीटर में बताओ, अगर ये लिख देते तो जरूर बताना पड़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे कि ये हमारे नोट्स जो तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा हमारे ऐप पे जिसका नाम है जोजस स्टडी, ठीक है। प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिएगा, जोजस स्टडी डालेंगे तो हमारा ऐप ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है यूपी बोर्ड का यहाँ पे है, आपको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा तो हमारा एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करेंगे तो आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो ओपन होकर आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, 7th क्लास में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे कि आपको गणित पढ़ना है, गणित का टच करेंगे, आपके सारे चैप्टर जो हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पहला चैप्टर पढ़ना है तो पहले चैप्टर पर टच किए, यहाँ पे आपका चैप्टर दिया गया है, देखो जैसे ये लिखा है चैप्टर 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर जो है वो दिया होगा, ठीक है। जैसे पढ़ना चाहो, नहीं दिख रहा है तो जूम करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे जो नोट्स तैयार हो रहे हैं वो मैं डाल दूंगी, वहाँ पे लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स, और साथ में इस वाले सेक्शन पे वीडियोस भी डाल दूंगी, पर अभी डाली नहीं है, मैं जल्दी डाल दूंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत जो है ज़्यादा सही नहीं रह रही है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, ठीक है, लेकिन मैं डाल दूंगी, जैसे 6th क्लास में मैंने डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ गया, हम तो यूपी बोर्ड में चले गए, एनसीईआरटी वाले सेक्शन में, ठीक है।
तो इसमें हमने यहाँ पे 6th क्लास में डाल के रखे हुए हैं नोट्स और वीडियोस वगैरह डाल के रखे हैं। जैसे कि इस पे आप गए, ठीक है, पहले चैप्टर पे गए, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डला होगा, जो प्रिंटेड होंगे वहाँ पे प्रिंटेड डला होगा, ठीक है। और वीडियोज़ भी हमारी यहाँ पे गई हैं। और नोट्स कैसे आपको देखने हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस टच ही करते रहना और आपका चैप्टर जो मतलब जो नोट्स हैं हैंड रिटन नोट्स वो आपको मिल जाएंगे। मैं जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। तो थोड़ी थकावट हो जाती है क्लास करने के बाद, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, क्या बताऊँ, लेकिन मैं डाल दूँगी जल्दी, ठीक है। आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं जल्दी डाल दूँगी। मैसेज आते हैं आपके, मुझे जानती हूँ, मैं सबके मैसेज देखती हूँ, जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखा है श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम सेब और 3 kg 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 kg 800 ग्राम संतरे और 4 kg 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे? सेम वैसा ही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्यामा दारे द्वारा खरीदे गए कुल फल, ठीक है। यहाँ पर यही बात लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे श्यामा ने कुल, तो यहाँ पे लिखेंगे श्यामा ने कुल खरीदे फलों का भार, फलों का कुल भार, ठीक है। तो जितना खरीदा है सबको ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे खरीदा है 5 kg 300 ग्राम, फिर खरीदा है 3 kg और 250 ग्राम, ठीक है। तो हम इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे हमारा क्या आएगा, 300 और 250 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 550 ग्राम, ठीक है, ठीक है। अब हम 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, तो 8 kg 550 ग्राम आ गया ये हमारा भार, ठीक है। अब हम सरला की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सरला ने कुल खरीदे फलों का कुल भार। तो भाई इसमें भी हम यही करेंगे, इसने खरीदे हैं 4 kg 800 ग्राम और इधर खरीदे हैं 4 kg 150 ग्राम, ठीक है। तो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 800 में 150 जोड़ा तो हमारा 950 हो गया, 950 और 4 में 8 हो गया, 8 kg 950 ग्राम। यहाँ पे है 8 kg 550 ग्राम, तो दिखने से साफ पता चल रहा है कि इसने ख़रीदा है, ठीक है, सरला ने ज़्यादा ख़रीदा है। तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, जब हमने तुलना की तो हमारे पास हमको क्या मिला है कि सरला जो है, ठीक है, उसने ज़्यादा खरीदा है किससे, श्यामा से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सरला, अतः सरला ने अधिक फल खरीदे, ठीक है। बस हमको यही बताना था किसने अधिक फल खरीदे हैं, तो हमने बता दिया। अगर ये कहते कि कितने अधिक फल खरीदे तो हमें क्या करना होता, इसमें से ये घटा देना होता, जो आता वो हमारा दूसरा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब करते हैं अपना 9वां क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई लास्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि भाई हमारी क्लास जो है, अगर आपको वाकई में अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी ये जो क्लासेस हैं इनकी लिंक अपने ग्रुप्स में सेंड कर दिया करिए, ठीक है, मतलब हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करिए, इनकी लिंक्स वीडियोस की ले लीजिए, आपके क्लास सबके आजकल ग्रुप बने हुए हैं, मुझे भी पता है। प्लीज़ इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो कि शेयर कर दिया करिए वीडियो को, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, साथ में चैनल को आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए भैया बहुत बड़ा थैंक यू, जिन्होंने ही नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 28 किलोमीटर 26.6 किलोमीटर से कितना कम है, तो इतना बताना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, अब ये कितना कम है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो दशमलव की बात हो रही है, यहाँ पे दशमलव नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 42.6 लिखेंगे, यहाँ पे 28 लिखेंगे। हमने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि हर संख्या के बाद में दशमलव होता है, तो यहाँ पे 28 जो लिखा है इसके बाद भी दशमलव है, और यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम घटा देंगे तो 6 में से 0 गया तो हमारा 6 बचा,
दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब बस बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे नहीं लिख देना है 42.6 और यहाँ पे 28 लिख दो, ऐसे नहीं घटाना है, गड़बड़ हो जाएगा भाई। दशमलव के नीचे हमारा दशमलव लगना चाहिए, इसका दशमलव यहाँ है, इसका दशमलव यहाँ है, तो ऊपर नीचे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। अब 12 में से या 2 में से 8 जाएगा, नहीं तो वहाँ से लगेगा। 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, तो 14.6 आ गया। तो हम ये बस इतना सिंपल से सवाल पता नहीं क्यों दे दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर, ये आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है। ठीक है, मेरा पेन भी ख़त्म हो गया एक्सरसाइज के साथ साथ, तो कोई नहीं जी, हम यहाँ पे डॉट पेन यूज़ कर लेते हैं। तब तक 14.6 किलोमीटर कम है, ठीक है, इस तरीके से ही हमारा आंसर आ गया है। और भाई हमारे एक्सरसाइज, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।